ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उन लोगों को क्या चाहिए, पहले 30 दिन में क्या करना चाहिए उनको, यानी कि पहले जो 30 वर्किंग डेज होंगे मार्केट के दिन, उन दिनों में उनको क्या करना चाहिए, जो पहला महीना उनका गुजरेगा उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी उनको करनी चाहिए। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम यह भी बात करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए पहले 30 दिन के अंदर। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप पेन पेपर ले लीजिए, मैं जो जो आपको बताने वाला हूँ कि 30 दिन में आपको करना है उसको आपको रट लेना है, लिख लेना है। और अगर आपके साथ कोई फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा बंदा है जो ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है या कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट, तो बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली बात करते हैं कि पहले 30 दिन पे क्या करना चाहिए। तो देखो, ये जो 30 दिन है, 10, 20, 30, तो इनको हम तीन हिस्से में बांट लेंगे। ठीक है, 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन, पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और तीसरे 10 दिन। ठीक है, तीन हिस्से में हम लोग ने बांट लिया 30 दिन को। अब ये पहला जो 10 दिन है उसमें क्या करना है, आइए समझते हैं। तो गाइज, पहले 10 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है आइए समझते हैं, नोट कर लेना आप इन बातों को। सबसे पहले आपको मार्केट का टाइमिंग समझना होगा कि मार्केट किस टाइम खुलता है, किस टाइम बंद होता है, किस टाइम साइडवेज जाने के चांसेस होते हैं, किस टाइम ट्रेंडिंग होती है। तो मेन टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेना है। ठीक है, जो दूसरा काम आपको करना होगा, आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए एंड उसके अंदर आपको ऑर्डर्स वगैरह लगाने आने चाहिए। ऑर्डर्स वगैरह आपको सीखने होंगे, ऐसा नहीं कि लगा के आप सीखोगे। आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि यार आपका जो भी ब्रोकर है, मान लो आप अपस्टॉक के साथ हो, एंजल के साथ हो, जीरोधा के साथ हो, किसी भी ब्रोकर के साथ हो, आपको उसमें देखना है कि ऑर्डर किस तरह से लगते हैं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगते हैं। वैसे तो सब में सेम ही होता है लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो वो आपको देख लेना है ताकि आप जब एग्जीक्यूट करोगे अपना इन फ्यूचर ऑर्डर तो कुछ गलती ना हो जाए वहां पर। वैसे तो आप सीखोगे गलतियां कर करके ही, लेकिन पहले से अगर समझ लोगे तो ज्यादा बेहतर है। तीसरी चीज आपको समझनी होगी कि इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, ये सब आपको चीजें समझनी होगी। जो ट्रेडिंग पीरियड होगा आपका उसमें ये सब तो आप सीखोगे ही, लेकिन पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। तो पहले 10 दिन में ये आपको एक्टिविटीज करनी है। अब गाइस बात करते हैं कि दूसरे 10 दिनों में आप क्या करोगे, यानी कि आपका जो दूसरा 10 दिन होगा, दिन 11वें से लेकर 20वां तक, इन दिनों में आप क्या करोगे, क्या ऐसा करना चाहिए आपको। तो देखो, आपने मार्केट के बारे में समझ लिया, बेसिक चीजें समझ लिया, डीमैट अकाउंट के बारे में समझ लिया। अब आपको कुछ बुक्स ऑर्डर करनी है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारी बुक्स हैं, आपको उनको पढ़नी है। आप रेटिंग चेक करो कि कौन सी बुक की अच्छी रेटिंग है ट्रेडिंग के बारे में, उन सबको पढ़ो, अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट पहले डेवलप करो। मैं जानता हूँ आप 10 दिन में बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं रीड कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक बुक का तो आप टारगेट ले ही सकते हो ना कि मुझे एक बुक ख़त्म करनी है, तो उस एक बुक को आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरी चीज़, साथ के साथ आपको यूट्यूब वीडियो से सीखना है। मैंने भी बहुत सारी ट्रेडिंग के ऊपर, खास करके बिगनर्स के लिए तो एक सीरीज ही बना रखी है, तो उस सीरीज को, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक चीजें डिटेल्ड में बता रखी है, तो ये वीडियो, ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद तीसरी चीज, आपको पॉडकास्ट सुननी है उन लोगों की जो लोग ट्रेडर हैं और जो लोगों ने सफलता हासिल की है। अब इससे होगा क्या, उन लोगों के लाइफ की जर्नी आपको पता चलेगी और पता चलेगा कि जो गलती उन लोगों ने की है वो गलती आप ना करो। ठीक है, तो ऐसा वैसे बोला जाता है कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, बट सच बताओ तो आप कितनी गलतियां करोगे, है ना। लेकिन जब आप किसी के, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लोगे तो एटलीस्ट आगे चल के आप वही गलती जो किसी और ने की है वही गलती आप नहीं करोगे। तो हमको दूसरे की भी गलतियों से सीखना चाहिए। एंड उसके बाद फाइनली आपको लाइव सेशंस देखने होंगे। लाइव मार्केट में काफ़ी लोग एनालिसिस करते रहते हैं, तो उनके सेशंस आप देखो, 2-4 दिन देखोगे ना तो आपको मार्केट के बारे में काफ़ी सारे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो दूर होते रहेंगे उनके लाइव सेशंस में आके। किसी के भी सेशंस देखो आप, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पे, किसी के भी सेशंस देखो, एटलीस्ट आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे। एंड उसके बाद अगर आपके ये 10 दिन खत्म हो जाएंगे, दूसरे 10 दिन, अब आते हैं तीसरे 10 दिन, लास्ट के 10 दिन। अब इन तीसरे 10 दिनों में आपको क्या क्या करना पड़ेगा आइए वो समझ लेते हैं। तो गाइज, इस 10 दिन में आपको लाइव मार्केट में बैठना है
आपको एनालिसिस करना है, यानी कि जो आपने समझा है, जो आपने स्ट्रेटजी अभी तक सीखी है पहले मतलब दूसरे 10 दिनों में, तो उसको यहाँ पर देखना कि वो ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आपको 10 दिन में समझना है और सीखना है। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि अभी इसे डीमेट अकाउंट में पैसे ऐड कर लिया और ट्रेड लेना शुरू कर दिया, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको जब ये 10 दिन खत्म हो जाएंगे, तीसरे 10 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। तो ट्रेडिंग क्या रियल मनी से शुरू कर दें? ना जी ना, रियल पैसे से कभी ट्रेडिंग मत करना, वरना आप अच्छे खासे लॉस में हो जाओगे अगर आप रियल मनी से ट्रेडिंग कर लेते हो तो। इनफैक्ट अपना ट्रेडिंग अकाउंट खाली भी कर लोगे। मैंने पेपर ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, यहाँ तक कि 3 वीडियोस भी बना दी है पेपर ट्रेडिंग के बारे में, तो आप इन 3 वीडियोस को देखो। एक वीडियो में तो मैंने ये बताया कि जैसे किसी को पता ही नहीं है पेपर ट्रेडिंग क्या होती, तो उसको मैंने इस वीडियो में बताया है। उसके बाद ये वाली जो वीडियो है, इसमें मैंने बताया कि आप हाथों से किस तरह से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, पेन पेपर लेकर किस तरह से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगता, तो उनके लिए मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ से आप ओरिजिनल डीमेट अकाउंट की तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। जिस तरह ओरिजिनल डीमेट अकाउंट में आप बाय सेल करते हो, उसी तरह ओरिजिनल डीमेट अकाउंट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग पे। यानी कि वहाँ पे आपका पैसा तो यूज होगा, लेकिन वो पैसा वर्चुअल होगा, उसको खोने का और पाने का डर नहीं होगा आपके अंदर। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।